हेलो जी, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा मेरा गला ख़राब है। तो पिछले संडे हम आपको बता रहे थे कि जैसे ही हम अपनी बेगम की बनाई हुई बिरयानी खाने लगे कि दरवाज़े पे बहुत ज़ोर से आवाज़ आने लगी। कोई हमारा दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खटखटा रहा था। हमने सोचा कि क्या हुआ है बाहर, ज़रा देखें। तो बाहर गए तो देखा इतनी भीड़ लगी हुई है। हमने लोगों से पूछा, अरे भाई क्या हुआ है, इतनी ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई जैसे बम फटा हो और इतनी भीड़ कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। तो भीड़ में से कोई हमें बोला, क्या बताएं भाई, हम भी तो यही देख रहे हैं कि इतनी भीड़ क्यों है, पर ये लोग देखने दें तब ना। अब हम परेशान हो गए कि अरे भाई ऐसा हुआ क्या है, पहले तो हमारा दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खटखटाया, अब घर के बाहर जैसे ही हम लोग निकले हैं तो इतनी भीड़। अब हम भीड़ को धक्का मारने लगे, जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन में चढ़ने के लिए आपको अपनी कोहनी और बाजुओं का हेलीकॉप्टर बनाना पड़ता है ना, वैसे ही। अरे भाई जाने दीजिए, हमें देखने तो दीजिए हुआ क्या है, अब भीड़ हटने का नाम ही ना ले। और हम बोलते रह गए कि अरे भाई जाने दीजिए जाने दीजिए, इतनी भीड़ कि हमारा हेलीकॉप्टर भी फुस हो गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हुआ क्या है, इतना सस्पेंस पिछले संडे से पका रहा है ये आदमी। अरे भाई बता भी दो। हाँ हाँ बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, ज़रा सब्र रखिए। हाँ हाँ बताते हैं। भीड़ से निकलकर हम क्या देखते हैं, नाले में गिरी हुई एक मोहतरमा, कोबर में पुती हुई चप्पलें और कुछ नेल पॉलिश की शीशियां इधर उधर गिरी हुई। आसपास खड़े हुए कुछ सदमे में लोग और थोड़े जो कभी भी हंस पड़ेंगे और अपनी हंसी रोकना चाह रहे थे। अब ये बेवकूफ़ से लोग एक दूसरे की शक्लें ही देखते जा रहे थे। आखिरकार हम ही मोहतरमा के पास गए और बोले, अरे रे क्या हो गया, कैसे गिर पड़ी, चलिए अपना हाथ दीजिए, हम आपको घर छोड़ देते हैं, इधर रहती हैं आप। इतने में ही सामने से कीचड़ में पुती हुई मोहतरमा चिल्ला कर बोली, मियां आबिद, हम हैं, नोरा आपकी बेगम। आवाज सुनते ही हम बहुत परेशान हो गए और हमारे मुंह से निकला, कैसे बेगम, आप कैसे गिर पड़ी, अरे इस गोबर में कैसे पुती पड़ी है, उठिए चलिए, हुआ क्या ये, बट हुआ क्या। मियां जरा उठाएंगे हमें, कि इंतजार कर रहे हैं कि नाला कब भर जाए और आप भी कूद जाए इसमें। मैं लोगों को कमबख्त बोल रहा था, बेगम की आवाज सुनकर मुझे ही हंसी आने वाली हो गई। अब हंसी रोककर गोबर में पुती हुई उनकी चप्पलें उठाऊं या कीचड़ में पुती हुई बेगम को। जैसे तैसे हंसी को कंट्रोल करके हमने बोला, अरे भाई हाँ हाँ आइए आइए, हाथ दीजिए अपना। अब बेगम को जैसे तैसे उठाया और घर तो ले आए, पर कितने दिनों तक उस नाले की गोबर की खुशबू हमारे नाक को सहलाती रही क्या बताएं। नहीं नहीं वो नाला घर के बहुत पास नहीं है, बस बेगम को देखते ही वो खुशबू याद आ जाती थी। खुशबू भाई खुशबू, बदबू बोलेंगे तो बेगम हमें ही दोबारा नाले में डालेंगी। अब आप सोच रहे हैं कि बेगम घर भी आ गई, नाले की बदबू भी बता दी, बट हुआ क्या था। तो हुआ ऐसे कि बेगम निकली अम्मा को खाला के घर से लाने। अब जैसे ही घर के बाहर निकली तो उन्हें सुनाई दिया, सेल सेल सेल, आइए आइए ले आइए, ले जाइए ले जाइए ले जाइए, नेल पॉलिश रंग बिरंगे लाल हरी नारंगी जो भी कलर हो, दो पे दो फ्री, सेल सेल सेल। अब नौरा बेगम निकल पड़ी देखने कि किधर मिल रही हैं दो पे दो फ्री नेल पॉलिश। घर की सीढ़ियों से उतरकर देखा तो नेल पॉलिश वाला थोड़ी ही दूर खड़ा था। हमारी गली में भीड़ इतनी थी, एक सब्जी वाला पूरी छोले का ठेला और गली में चलते हुए गुब्बारे बेचने वाला बेगम को दिखा ही नहीं कि किधर खड़ा है भाई ये नेल पॉलिश वाला, इतनी भीड़ है।
तो बेगम ने आवाज लगाकर सब्जी वाले से पूछा, अरे भाई वो नेल पॉलिश वाला किधर है? सब्जी वाले ने जवाब दिया कि अरे भाई इधर ही है, जरा ध्यान से आइएगा, बारिश की वजह से बहुत फिसलन है यहाँ, हमारे पास में ही है इसका ठेला। नौरा बेगम भागते हुए नेल पॉलिश देखने पहुंची। 20 मिनट 5 रुपए के लिए बार्गेनिंग करके नेल पॉलिश खरीद ही ली। अब नेल पॉलिश खरीद के आगे खाला के घर निकलने ही लगी थी कि पीछे से भागती हुई गाय ने उन्हें इतनी जोर से धुमका मारा कि बेचारी बेगम नाले में जा गिरी। और इसमें भी बेगम की गलती नहीं थी, वो गाय सब्जी वाले के ठेले पे पालक खाने गई और सब्जी वाले ने उसे ऐसा भगाया कि वो बेगम से जा भिड़ी। नाले में गिरने के बाद भी बेगम को अपनी चप्पलों से इतना प्यार था कि जैसे तैसे अपनी चप्पलें बाहर निकाल के फेंक दी। पर क्या फायदा, गाय ने गोबर कर ही दिया ना। खैर बेगम को उठाया मैंने जैसे तैसे, उठाना भी कोई आसान था क्या, सब जगह तो नाले का कीचड़, उसमें भी नाले से बाहर निकलते कुछ दूर चलते ही बेगम को याद आया कि नेल पॉलिश तो नाले के पास से उठाना भूल ही गए। अब नौरा हमें बोलती हैं, मियां हमारी चप्पल और नेल पॉलिश रह गई। 2 मिनट तक हम बेगम को और बेगम हमें देख रही हैं और हम दिमाग में ये सोच रहे हैं कि नाले में गिरने के बाद भी अपनी चप्पलें और नेल पॉलिश नहीं भूली बेगम। घर पहुंचकर जैसे ही दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर जाने लगे तो छत पर से बड़ी जोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। देखा तो अम्मा छत पर से पेट पकड़कर जोर जोर से हंस रही थी। अम्मा ये सारा किस्सा देख रही थी। इस सब में पता ही नहीं चला कब खाला के घर से आकर छत पर चढ़ गई। हम तो सोच रहे थे कि अम्मा को बताएंगे ही नहीं, पर क्या फ़ायदा, अम्मा से कोई चीज़ भला छुपती थोड़ी ना है। छत पर खड़े होकर ये सारा नज़ारा अम्मा बड़े मज़े से देख रही थी। अब अम्मा को हंसते देख हमें हंसी आ गई और हमें हंसता देख बेगम को हंसी आ गई क्या नज़ारा था बाकी सब तो ठीक है, बस वो नाले और गोबर की खुशबू चली गई, वही शुक्र मनाते हैं हम, बेगम से भी और बेगम की चप्पलों से भी। आप सोच रहे हैं उन नेल पॉलिशों का क्या हुआ? अरे भाई हम वो लेके आए, उठाई हमने वो नाले के पास से और घर लाकर साबुन से धोई गरम पानी से। बेगम लगाती हैं वो भी कभी कभी, हमने नाम दिया है उन्हें गोबर वाली नेल पॉलिश। चलिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अम्मा हंस रही थी ना बड़ा, एक किस्से में तो बेचारी अम्मा की ही मरम्मत हो गई उसमें बेगम की गलती थी, उसमें ना ही कोई गाय आई थी ना ही कोई गोबर, और उसमें बेगम की ही गलती थी। अब बेगम ने क्या किया और अम्मा की मरम्मत कैसे करी वो बताएंगे आपको अगले संडे। चलिए खुदा हाफिज़। Thanks for joining in for Gupshup at Nukkad Ki Chai. Do share your feedback and subscribe to my podcast. The podcast is available on Spotify and Hubhopper. Tune into your favorite application and do give it a listen. That's all for this episode. This is your host signing off. See you next Sunday, 5 p.m.